अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड, जिसकी रेसिपी बेहद आसान है और खाने में बहुत लजीज। चलिए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। जी, इंग्रेडिएंट में सबसे पहले 1/4 कप मैदा, 2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और एक टेबलस्पून ईस्ट और 1 टेबलस्पून सूखा दूध इसमें जाएगा इसकी डो बनाने में। अब हम सबसे पहले ईस्ट को राइस करते हैं। उसके लिए हमें 1/2 कप नीम गर्म पानी में 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 1 टेबलस्पून ईस्ट डालकर इसको राइज होने के लिए हम कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ईस्ट रेडी होने के लिए रख दिया है। अब हम डो बनाते हैं। सबसे पहले मैदा डालें बाउल में। अब इसमें सूखा दूध, टू टेबलस्पून ऑयल, अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और अब इसमें ईस्ट वाला मिक्सचर डाल दें और इसको अच्छी तरह गूंद लें। इसको बिल्कुल स्मूथ सी डो बना लें। अगर पानी की जरूरत है तो थोड़ा सा पानी और डालें और अच्छी तरह गूंद लें। सर्दी में नीम गर्म पानी और 1.5 घंटा के लिए रखें मौसम के हिसाब से, और गर्मी में सिर्फ 1/2 घंटा, और इसको ताज़ा पानी से गूंदना है। अब एक बाउल को ऑयल के साथ ग्रीस करके डो को 1/2 घंटे के लिए रख दें। अब इसको 1/2 घंटे के लिए हम रैप करके रख देते हैं इस डो को। अब हम चिकन ब्रेड की फिलिंग को रेडी करते हैं। चलिए व्यूवर्स, अब हम चिकन ब्रेड की फिलिंग्स की इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। 1 कप बोनलेस चिकन लें, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप गाजर, 1 कप बंद गोभी, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा और फ्रेश ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और फ्रेश 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, उसमें अदरक लहसुन के पेस्ट को लाइट ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, बोनलेस चिकन। अब 1 से 2 मिनट चिकन को हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब इसमें चिली फ्लेक्स और काली मिर्च डाल दीजिए और अच्छी तरह से भून लें। चिकन को अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें 1/2 कप चिकन को गलाने के लिए अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
चिकन गल चुका है, अब हम वेजिटेबल्स को ऐड करते हैं। अब हम वेजिटेबल्स को ढक देते हैं। इसकी फिलिंग 2 से 5 मिनट तक रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। अभी वेजिटेबल्स का पानी ड्राई हो चुका है, अभी हम इनको अच्छी तरह भून लेते हैं। अब इसको हमने भून लिया है, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इस फिलिंग में हम थोड़ी सी मायोनीज ऐड करेंगे, होममेड मायोनीज 1 टेबलस्पून या बाज़ार से। इस फिलिंग में हम 1 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करते हैं। आपकी मर्ज़ी होममेड मायोनीज यूज़ करें या बाज़ार से भी मायोनीज, या आपकी आप पे डिपेंड करता है। अब हम सबसे पहले कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख देते हैं और स्टैंड रखेंगे बीच में। अब हम पैन को ग्रीस करेंगे अच्छी तरह से। डो रेडी है, अब हम टेस्ट करेंगे मैदे से। अब हम डो को अनरैप करते हैं। इसको लंबा सा बेल लें। अब इस मिक्सचर को सेंटर में रखेंगे। साइडों पे कट लगेगा। अब ऐसे साइडों से कट कर लेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप वन साइड से दूसरी साइड से ऐसे करेंगे। बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी तैयार हो रही है। दूसरी तरफ हमारा पैन प्री हीट हो रहा है। अंडे के येलो पार्ट से हम इसकी कोटिंग करेंगे और 1 पिंच कलवंजी और थोड़ा सा बटर ये यूज़ होगा इसकी कोटिंग में। फिर हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। इसका बेकिंग टाइम 20 मिनट्स होगा। अब हम इस पे कलवंजी ऐसे लगा देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हमारी चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको बटर के साथ ग्रीस करेंगे। वो इसलिए कि ये सॉफ्ट रहे, इसलिए हम इसको बटर इसके ऊपर बटर लगाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है और हमारी चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। जी तो ये देखिए मज़ेदार सी डिलीशियस सी चिकन ब्रेड रेडी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी अमेजिंग ये रेडी हुई है। ये देखिए
और अब ये रेडी है जी। तो व्यूअर्स, आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।